हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज इस वीडियो में जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास है ओनर प्ले। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस फोन के कैमरा इंटरफेस की। बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको कोई कैमरा सैंपल्स नहीं दिखाऊंगा, मैं बात करूंगा इस फोन के कैमरा इंटरफेस की कि क्या क्या मोड्स यहाँ पर हैं, क्या क्या इंटरेस्टिंग ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलती है और किस तरह से आप उन सब ऑप्शन को यूज कर सकते हैं अपनी फोटोज को और एनहेंस करने के लिए। तो यही सब चीजों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लास्ट में तो इस वीडियो को लाइक करना प्लीज मत भूलिएगा फ्रेंड्स, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आगे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए। तो जल्दी से हम वीडियो को शुरू करते हैं। इस लाल बटन को दबाएं अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, और हमारी हर वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर आप कैमरा के अंदर जाएंगे आप देख पाएंगे कि यहाँ पर आपको एक AI का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। अब इस AI के ऑप्शन को यूज करके अपनी फोटोज को ऑटोमेटिकली एनहांस कर सकते हैं। बेसिकली फोन AI का यूज करेगा और डिटेक्ट करेगा कि क्या सीन है जिसकी आप फोटो दे रहे हैं, क्या वो कोई बर्ड है या कोई खाना है या कोई पंछी है या कोई आदमी है, इंसान है या कोई नेचुरल आप सीन की फोटो दे रहे हैं। उस हिसाब से फोन ऑटोमेटिकली कलर्स वगैरह को एनहांस करेगा और फोटो को और अच्छी बना देगा। बेसिकली अगर आप इस ऑप्शन को यूज करेंगे तो मोस्टली टाइम्स आपको देखने के मिलेगा इस मोड को यूज करके फोन जो है वो थोड़ा कलर्स को और एनहांस कर देता है। इसी के साथ AI रिलेटेड जो एक और ऑप्शन आपको यहां पर देखने के लिए मिलती है वो है AI असिस्टेंट की। बेसिकली अगर आप शॉपिंग बहुत ज्यादा करते हैं तो आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं डायरेक्टली किसी चीज को स्कैन करके कुछ चीज को खरीदने के लिए। बेसिकली अगर आप इस ऑप्शन को खोल के किसी भी चीज को अपने कैमरा के अंदर स्कैन करेंगे, इस ऑप्शन को यूज करने के लिए आपको एक ऐप को इंस्टॉल करना होगा जो कि है यहां पर Amazon असिस्टेंट की। ये बेसिकली जब भी आप इस ऑप्शन के अंदर जाएंगे और इसको यूज करने की कोशिश करेंगे तो फोन ऑटोमेटिकली आपको वहां तक ले जाएगा, उसको आपको इंस्टॉल कर देना है, उसके बाद आप इस ऑप्शन को यूज कर पाएंगे और किसी भी चीज को स्कैन करके डायरेक्टली आप उस चीज को बाय कर पाएंगे और ये आपको बता देगा फोन के वो चीज जो है वो Amazon पर अवेलेबल है या नहीं। इसी के साथ इसके अगले ऑप्शन से अगर आप बात करें, यहां पर एक फ्लैश की ऑप्शन है, यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलती है मूविंग पिक्चर की। ये एक ऐसी ऑप्शन है जिसको शायद आप ज्यादा यूज नहीं करेंगे। बेसिकली कुछ सेकंड्स, कुछ मिली सेकंड्स की मैं बोलूंगा फोटो क्लिक करता है और अगर आप फोटो को देखते हैं बार बार अपने फोन में तो एक वीडियो के जैसे कुछ सेकंड्स के लिए चलती है, कुछ सेकंड नहीं मैं बोलूंगा अगेन कुछ मिली सेकंड्स के लिए चलती है और आपको लगता है कि वो पिक्चर है वो थोड़ी मूविंग है। तो ये एक ऐसी ऑप्शन है जिसको शायद आप ज्यादा यूज नहीं करेंगे। इसके बाद अगर आप कुछ मोड्स की बात करें, नीचे की तरफ अगर आप आ जाएंगे, सबसे पहले यहां पर है अपर्चर मोड। बेसिकली अगर आप चाहते हैं कि जो पीछे का ब्लर है फोटो में, अगर आप पोर्ट्रेट फोटो को ले रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि पीछे का ब्लर आप मैनुअली कंट्रोल करें और आप अपने हिसाब से डिसाइड करें कि कितना ब्लर हो, उसको आप इस अपर्चर मोड से यूज कर सकते हैं और अपर्चर को कम या ज्यादा अपनी मर्जी से कर सकते हैं। दूसरी ऑप्शन यहां पर है AR लेंस की। इस ऑप्शन को यूज करके आप कुछ 3D स्टिकर्स हैं या कुछ AR स्टिकर्स आप बोल सकते हैं, उनको आप यूज कर सकते हैं। अगर बेसिकली आप यहां पर देखेंगे 3D ऑब्जेक्ट्स, इसको अगर मैं किसी पर क्लिक करूंगा तो आप अपनी स्क्रीन पर देख पाएंगे वो ऑब्जेक्ट जो है वो आ जाएगा और उसको आप अपनी मर्जी से यहां पर ऐसे मूव भी कर पाएंगे। ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है फ्रेंड्स, ये अगेन एक AI जैसा फीचर है, ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है कि आपके सामने जो फिगर है या जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है और उसके हिसाब से इस ऑब्जेक्ट को या जो भी आप ऑब्जेक्ट यहां पर प्लेस कर रहे हैं उसको वो अलाइन करता है। अगर आप यहां पर देखेंगे आपको बिल्कुल ऐसा लग रहा है इस फोटो में कि ये जो पूल है वो टेबल के ऊपर रखा हुआ है, यही चीज है जो AR की खासियत है। उसी के साथ यहां पर कुछ इफेक्ट्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं और कुछ बैकग्राउंड्स हैं। अगर आप चाहते हैं कि बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए आपकी फोटो की, बेसिकली जैसे कि आपने आईफोन में देखा होगा जब आप बैकग्राउंड को चेंज करना चाहते हैं आपकी फोटो के अलावा बाकी की सारी बैकग्राउंड चेंज हो जाती है, वो आप यहां से कर सकते हैं। उसी के साथ यहां पर पोर्ट्रेट मोड है जो कि नॉर्मल है, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है यहां पर 3D लाइटिंग की। बेसिकली अगर आप चाहते हैं कि आपकी फोटो में लाइटिंग उस तरीके की नहीं है जैसी आप चाहते हैं, काफी बार ऐसा होता है कि हमें फोटो देने टाइम लगता है कि यार लाइटिंग उतनी अच्छी नहीं है जितनी हमें चाहिए थी, वो चीज आप यहां से चेंज कर सकते हैं। आप आर्टिफिशियल लाइटिंग अपनी फोटो के अंदर ऐड कर सकते हैं ये चीज को डिटेक्ट करते हुए। बेसिकली एक फेस को आपको डिटेक्ट करवाना है, उसके बाद एक आर्टिफिशियल लाइटिंग यहां पर ऐड हो जाएगी। उसके बाद अगर आप फोटो मोड में चले जाएंगे, फोटो मोड में जाने के बाद अगर सेटिंग्स में जाएंगे, यहां पर सेटिंग्स में आप रेजोल्यूशन को चेंज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नॉर्मली अगर आप फोटोज को क्लिक करेंगे वो 16 मेगापिक्सल की 4:3 रेजोल्यूशन में शूट होगी, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि फोटो जो है वो पूरी स्क्रीन की शूट हो, अगर आप यहां पर देखेंगे अभी सिर्फ इस पार्ट में फोटो आ रही है, अगर आप रेजोल्यूशन को कर देंगे इस मोड में सेलेक्ट, अब आप देख पाएंगे पूरे स्क्रीन में फोटो आ रही है। तो ये चीज यहां पर आप फोटो की रेजोल्यूशन से चेंज कर सकते हैं। उसी के साथ इसके बाद अगर आप आगे चले जाएंगे वीडियो मोड में, वीडियो मोड में अगेन आपको कुछ इंटरेस्टिंग ऑप्शंस देखने के लिए मिलती हैं। सबसे पहले चीज आपको बता दूं कि यहां से आप रेजोल्यूशन को चेंज करके अल्ट्रा HD 4K तक कर सकते हैं। उसी के साथ अगर आप चाहते हैं अपनी वीडियो को ज्यादा स्मूथ बनाना तो आप 60 FPS में भी इस फोन में वीडियो शूट कर सकते हैं जो कि फुल HD में सपोर्टेड है।
उसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फोन में जो स्टेबलाइजेशन की ऑप्शन है, EIS की ऑप्शन है, वो फुल HD 30 FPS तक ही सपोर्टेड है। यहां पर आप देख सकते हैं अभी स्टेबलाइजेशन ऑन है, लेकिन अगर आप चल जाते हैं फुल HD 60 FPS पे तो ये ऑप्शन यहां से चली जाती है। तो इस ऑप्शन को यूज करने के लिए आपको फुल HD 30 FPS पर ही रहना होगा। इसके बाद हम चले जाते हैं मोर में। यहां पर इस फोन के बहुत सारे मोड्स, बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीजें आपको देखने के लिए मिलती हैं। सबसे पहली चीज की अगर आप यहां पर बात करेंगे वो है प्रो मोड, या फिर इसको आप बोल सकते हैं मैनुअल मोड। अगर आप पूरे कैमरा, एक प्रोफेशनल कैमरा यूज करते हैं और सारी ऑप्शंस आपको पता है कि कैसे उसमें यूज करते हैं, कैसे चेंज करते हैं, तो आप इस ऑप्शन को यूज करके अपनी फोटोज को बहुत एनहांस कर सकते हैं और बहुत बेटर फोटोज आप ले सकते हैं इसी फोन से। यहां पर अगर आप देखेंगे क्या क्या ऑप्शंस आपको देखने के लिए मिलती हैं, सबसे पहली है यहां पर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग की, फोकस की, बेसिकली किस मोड में आप फोकस को रखना चाहते हैं। यहां पर है कि फिक्स फोकस आप रखना चाहते हैं या फिर ऑब्जेक्ट के हिसाब से रखना चाहते हैं या फिर मैनुअल फोकस करना चाहते हैं। यहां पर ISO चेंज करने की ऑप्शन है, शटर स्पीड की ऑप्शन है, एक्सपोजर की ऑप्शन है, और यहां पर अगर आप कलर टेम्परेचर कुछ चेंज करना चाहते हैं उसकी भी ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलती है। तो प्रो मोड काफी अच्छा है, मैं बोलूंगा फुल फ्लैश प्रो मोड आपको यहां पर देखने के लिए मिलता है। उसके बाद यहां पर स्लो मोशन की ऑप्शन है। स्लो मोशन में इस फोन में जो इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है कि यहां पर आप 120 FPS तक का स्लो मोशन ले सकते हैं। मतलब अगर आप स्लो मोशन लेंगे, काफी अच्छा स्लो मोशन आने वाला है। मैं आपको दिखाता हूं फ्रेंड्स, यहां पर एक स्लो मोशन मैंने शूट भी किया हुआ है, हालांकि वो ज्यादा अच्छा नहीं है, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पर फ्रेंड्स अगर आप देखेंगे पंखा चल रहा था तो उसके मैंने एक स्लो मोशन बनाने की कोशिश की, लेकिन यहां पर आप एक चीज नोटिस कर पाएंगे कि जो स्लो मोशन की इंटीग्रेशन है वो उतने अच्छे तरीके से नहीं हो रही। एक चीज मैं आपको बता दूं कि जैसा कि फ्लैगशिप फोन्स में आपको देखने के लिए मिलता है, यहां पर आप स्लो मोशन के पार्ट को एडजस्ट कर सकते हैं कि कितना मोशन आप चाहते हैं स्लो में चले और कितना चाहते हैं फास्ट में चले, बेसिकली नॉर्मल मोड में चले। यहां पर आप देख सकते हैं अब यहां तक नॉर्मल चलेगा, उसके बाद ये पार्ट स्लो में चलेगा। लेकिन आप देख पा रहे होंगे जब ये स्लो मोशन शुरू होता है वहां पर आपको एक हल्का सा लैग देखने के लिए मिलता है। तो ये एक इशू है जो हो सकता है आगे आने वाले टाइम में फिक्स हो जाए, लेकिन स्लो मोशन इस फोन में आपको काफी अच्छा देखने के लिए मिल जाता है। इसके बाद अगर आप यहां पर कुछ और ऑप्शंस को देखेंगे तो यहां पर एक नाइट मोड है। बेसिकली इसके लिए आपको काफी स्टेबल अपने फोन को रखना होगा अगर आप इस मोड में फोटोज को लेना चाहते हैं। लेकिन उसके बाद अगर आप फोन को स्टेबल रख देते हैं, कोई ट्राइपॉड वगैरह यूज कर देते हैं, काफी बेहतर फोटोज आप नाइट के टाइम पर भी ले पाएंगे। पैनोरमा मोड है जो कि एक नॉर्मल मोड है, लाइट पेंटिंग मोड है जिसको मैं यहां पर एक्सप्लेन करता हूं। अगर आप चाहते हैं फ्रेंड्स, अगर आपने देखा होगा दिवाली टाइम पर कुछ लोग ऐसा घुमा के कलर्स वगैरह को फोटोज लेते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे एक पूरा लिख दिया है उन्होंने कुछ कलर के साथ या लाइट के साथ, वो चीजें आप इस मोड को यूज करके कर सकते हैं। बेसिकली इस मोड में यहां पर आपको काफी सारी ऑप्शंस देखने के लिए मिलती हैं। अगर आप ट्रैफिक की लाइट्स को पूरा, जो एक अच्छी सी फोटोज आपको देखने के लिए मिलती हैं वो आप लेना चाहते हैं, वो आप ट्रैफिक ट्रेल से ले सकते हैं। अगर आप जैसा कि मैंने पहले बताया दिवाली वाला, वो आप यहां से कर सकते हैं। अगर आप स्टार्स की मूवमेंट को ट्रैक करना चाहते हैं उसके लिए भी आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। और अगर आप वोटर की मूवमेंट को ट्रैक करना चाहते हैं या फिर उसका जो अच्छा सा एक इफेक्ट आता है वो आप कैप्चर करना चाहते हैं, वो आप सिल्की वोटर को यूज करके दे सकते हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, एक इंटरेस्टिंग मोड है जो इस फोन में आपको देखने के लिए मिलता है। हालांकि इस चीज को आप प्रो मोड को यूज करके भी कर सकते हैं अगर आपको वो चीज आती है। उसके बाद यहां पर HDR मोड है जिसको आप यूज कर सकते हैं, टाइप लैप्स का मोड है, फिल्टर्स हैं कुछ जो नॉर्मल है, अगेन अगर आप यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर एक 3D पैनोरमा मोड है जो कि अगेन एक काफी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है और बहुत कम फोन्स में मुझे लगता है कि आपको देखने के लिए मिलती है। बेसिकली अगर आप 3D फोटो किसी चीज की लेना चाहते हैं, आपके पास कोई 3D ऑब्जेक्ट है, आपको उसके सराउंड फोन को रोटेट करना है जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, उसके बाद आप उस फोटो को एक तरह से 3D में ले पाएंगे और उस ऑब्जेक्ट की पूरी जो डायमेंशन है उसको देख पाएंगे और साइड्स को देख पाएंगे। तो ये काफी अच्छी चीज है जो इस फोन में आपको देखने के लिए मिलती है। उसके बाद यहां पर एक वाटरमार्क की ऑप्शन है अगर आप चाहते हैं कि वाटरमार्क आपको देखने के लिए मिले। एक चीज मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा, इसमें ये बेसिक वाटरमार्क नहीं है कि यहां पर आपको आएगा डुअल कैमरा वाटरमार्क, यहां पर आपको काफी सारे वाटरमार्क की ऑप्शंस देखने के लिए मिलती हैं। यहां पर अगर आप देखेंगे टुडे इज फ्राइडे, या फिर आप कैलेंडर दिखाना चाहते हैं, या फिर टाइम दिखाना चाहते हैं, या फिर फ्राइडे, यहां पर काफी सारी ऑप्शंस हैं फ्रेंड्स जो कि आप चूज कर सकते हैं। यहां से मेरे हिसाब से काफी अच्छी ऑप्शन है और अगर आपको इनमें से कोई वाटरमार्क पसंद आता है तो आप उसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर आपके पास डॉक्यूमेंट स्कैन की ऑप्शन है, 3D क्रिएटर की ऑप्शन है, आर्टिस्ट मोड की ऑप्शन है, और एक ऑप्शन यहां पर गुड फूड की आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये थी काफी सारी ऑप्शंस, काफी सारे मोड्स जो इस फोन के आपको कैमरा में देखने के लिए मिलते हैं। फ्रेंड्स आई होप कि मैं काफी सारी चीजें आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन कर पाया हूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, कुछ सवाल हमें अपने चेक मैंने बता सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा आगे आने वाली ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स।